हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज बात करने वाले हैं मास्टर नंबर 22 के बारे में, जिसको हम मास्टर बिल्डर नंबर भी कहते हैं, मास्टर आर्किटेक्ट नंबर भी कहा जाता है। सो अ लाइफ पाथ 22 इज गोइंग टू बी अ लाइक अ लाइफ पाथ 4 टू द एक्सट्रीम। फोर्स आर द बिल्डर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड हैज सच। सो 22 द मास्टर आर्किटेक्ट नंबर भी कहा जाता है, जैसे मैंने बोला। सो ये नंबर इतना कमाल का है कि इसमें 11 की पावर भी, वाइब्रेशंस भी हैं, और 22 मतलब मदर का नंबर भी है, आपको इमोशनल भी बनाता है। कई बार हम कहते हैं कि जो इमोशनल बंदा होता है उसको इमोशनल फुल बनाना बहुत इजी होता है, बट वो गलत नहीं है। अब इमोशंस भी होने चाहिए, बट वो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग जो है मदर मतलब मून की वाइब्रेशन इनमें होती है, मून का नंबर है। तो अगर आप इसको सिंगल किचन में लेके आते हैं तो 4 बनता है, तो जो कि राहु का नंबर है, जो कि आपको प्रैक्टिकल बनाता है, आपको आपसे हार्ड वर्क करवाता है, आपके आइडियाज़ बहुत कमाल के होते हैं। ऐसे नंबर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हो विजनरी का नंबर है ये। इनमें स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। इनके जो ड्रीम्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, पर उसके लिए इनको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ये सीईओ हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट अच्छे हो सकते हैं, टीचिंग लाइन में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं, अगर ये स्पिरिचुअल होंगे तो उस फील्ड में भी, ऑकल्ट फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। या तो ये जब इनको सिर्फ एक चीज़ है कि इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो हैं एमलेस होते हैं। बहुत बड़े बातू नहीं कह सकते हो आप, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ में। एंग्री बहुत जल्दी हो जाते हैं, मूडी होते हैं, इनको अपने मूड के हिसाब से चलना, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सेल्फिशनेस वाली क्वालिटी भी इनमें होती है, क्वालिटी नहीं कह सकते उसको, सेल्फिश रहते हैं। सेल्फिश ना होकर दूसरों के बारे में सोचें तो इनकी जो वाइब्रेशन है वो अच्छे से चैनलाइज होगी और उस नंबर का इनको इफेक्ट मिलेगा, 22 नंबर का। कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं नेगेटिव ट्रेड्स में ये है कि ये ओवरली एंग्जियस होते हैं, तो इनको एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं ये। इनको उस चीज़ का ध्यान रखना है, इनको मेडिटेशन करनी है, इनको जितना है लोगों का भला करना है, इनको सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। अगर ये नेगेटिव सोचेंगे किसी के लिए तो इनके लिए भी इफेक्ट हो सकता है उस चीज़ का। गाइस, यहीं पे ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर।